हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। एक बार सभी लोग क्लास में आ जाए उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन आपको करा देते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में 4-5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सभी लोगों को बोल दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो गए, आगे क्लासेस कर लें, ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, चलिए। तो इसमें बेसिकली क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं और हम इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है तो उसमें देख लीजिए, फिर भी हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या क्या वर्ड आते हैं। देखो, एक होता है तुम्हारा कॉस्ट, एक होता है आपका कॉस्टिंग, ठीक है ना, और एक होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होता है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। हालांकि ऑलरेडी वीडियो में अपलोड है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस, जितने सारे टोटल खर्चे होते हैं उसको कंबाइंड रूप से लागत या कॉस्ट के नाम से जानते हैं। कॉस्ट कैसे असर्टेनमेंट किया जाएगा उसके टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट कैसे असर्टेन करेंगे उसके टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। और जो कॉस्ट के डेटा होंगे उसको रिकॉर्ड करने को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। कैसे डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल होते हैं उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना। अब इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे टाइप्स या टेक्निक में कौन कौन आते हैं, ठीक है ना। टाइप्स और टेक्निक में जैसे आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, कि हम लोग हिस्टोरिकल बेसिस पे डेटा को, मतलब हिस्टोरिकल टेक्निक से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग को, ठीक है ना, मतलब हिस्टोरिकल टेक्निक से इसको हम लोग कॉस्ट के डेटा को कॉस्ट असर्टेन करेंगे, ठीक है ना। हिस्टोरिकल टेक्निक से मतलब कि जब एक्चुअल में कॉस्ट हो जाएंगे इनकर्ड उसके बाद कितना खर्चे आएंगे उसको ऐड कर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होगा कि आपको पहले से टारगेट दे दिया जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, आपका पहले से टारगेट दे दिया जाता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका पहले से टारगेट दे दिया जाएगा, उसके बाद उसमें आपको उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको बता दिया है कि एक मार्कर बनाना है, एक मार्कर आपको बनाने में 10 रुपये से ज़्यादा लागत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर 10 रुपये आ गया तब तो ठीक है, 10 कम आया तो आपके लिए फ़ायदा, 10 से ज़्यादा हो गया तो आपके लिए एडवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि द असर्टेनमेंट मार्जिनल कॉस्ट एंड द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द टाइप ऑफ द आउटपुट, कर रहा है कि जो उसका वैल्यूम चेंज होने से उसका जो प्रॉफिट में क्या चेंज होते हैं उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या करते हैं डिफरेंस। जैसे कि टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आता है। क्या क्या आता है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आता है, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट आर दोज वी डू नॉट चेंज, कर रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट होते हैं चेंज नहीं होते हैं, बट आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है उसको हम लोग मार्जिनल के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, आपका द प्रैक्टिस ऑफ द चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जितने सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जितने सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं उसको हम लोग राइट अप कराते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट, ठीक है ना। उसको हम क्या कराते हैं, राइट अप कराते हैं, ठीक है ना। और उसको मटेरियल वाले में कितने ले आते हैं, जो आपका सॉरी जो कास्ट कॉस्टिंग होंगे उसमें बस जो डायरेक्ट वाले आइटम्स होंगे बस उसी को लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या बताता है, आपका कि द प्रैक्टिस ऑफ द चार्जिंग ऑल कॉस्ट इज बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू द ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि आपका जो वेरिएबल खर्चे हो चाहे फिक्स हो दोनों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में, जैसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब होता है कि उसके पास बहुत सारे अंडरटेकिंग है और एक जैसे जहाँ पे काम होता है तो वहाँ पे
कॉस्टिंग का सिस्टम एक ही अडॉप्ट करते हैं, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के नाम से। बस आपको इसमें याद रखना है, इसके डिटेल नहीं पढ़ना है, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कौन टेक्निक है और कौन मेथड है। तो टेक्निक आपके कौन कौन है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये आपके क्या है टेक्निक है या टाइप्स है। अब मेथड करा है कि जो हम डेटा रिकॉर्ड करने के हमारे पास जो तरीके होंगे, मेथड्स कौन कौन, तो पहला आपका होगा एक स्पेसिफिक ऑर्डर और दूसरा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या होता है बेसिकली कि आपको एक स्पेशल ऑर्डर दिया जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होता है, ठीक। अब एक बड़े लेवल पे ऑर्डर होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जैसे आपका जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग में जो मैं जितना बताऊंगा उतना की पॉइंट आप हो सके तो शॉर्टकट में लिखते भी चलो। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि जॉब कॉस्टिंग मेथड इज सिस्टम कॉस्टिंग विच कॉस्टेड असर्टेन इन द टर्म ऑफ द स्पेसिफिक जॉब, मतलब कि उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया जाएगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। जैसे आपका जो प्लम्बरिंग वाला काम हो जाएगा, ठीक है, सैनिटरी वाला, प्रिंटिंग प्रेस वाला, फिटिंग जॉब वाला, है ना, जो आपका प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है उसमें आपको वो आप जैसा भी काम कहोगे उसके हिसाब से काम करेगा, और वो अपने आपके घर भी आके काम कर सकता है और वो अपने यहाँ करके भी आपको पहुँचा सकता है, ठीक है ना। तो हम एक स्पेशल ऑर्डर देते हैं, जैसे हमको टाइल्स लगवाना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक उसके यहाँ जितने सारे टाइल्स के होंगे डिज़ाइन, अगर हमको उसमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसको बताते हैं हमको इस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, तो उस टाइप का डिज़ाइन हमको बना के देता है कि स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग जॉब कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बढ़िया सुटेबल एग्जांपल प्लम्बरिंग का काम हो गया, ठीक है ना, और प्रिंटिंग प्रेस का काम। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग की ही तरह कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जॉब वर्क पे काम किया जाता है, मतलब जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है तो अपने घर बना के बिल्डिंग आपको नहीं देगा, ठीक है ना, आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको बिल्डिंग बना के देगा। और यहाँ पे क्या होगा, काम क्या होता है लंबे समय तक के लिए होता है, इसमें दो पार्टी होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी होता है, ठीक है ना, जो काम करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर, जो काम करवाता है उसको कॉन्ट्रैक्टी के नाम से, मतलब जो बोलता है जैसे हमको बिल्डिंग बनवाना है आप लोग बोलते सर दे दीजिए ठेका हम काम कर देंगे, तो आप लोग हो जाओगे कॉन्ट्रैक्टर, हम हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है कि बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या होगा कि जब आपको सिमिलर आइटम्स बनाने हैं, ठीक, और जो छोटे आइटम्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका मेडिसिन हो गया, समझ में आया, टॉय मेकिंग हो गया, मेडिसिन टॉय मेकिंग, इसमें क्या होगा हम एक एक दवा नहीं प्रोड्यूस करते, हजार हजार सौ सौ दस दस का बंडल में एक साथ निकालते, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। जैसे हम आपको एक ही चीज़ पढ़ाना है तो दस लोगों को पढ़ा तो दस बार नहीं बुलाएंगे, एक साथ सबको बुला के पढ़ा देंगे, उसी तरीके से एक एक टाइप का आइटम्स निकालना है, ठीक है ना, तो उसको हम जो छोटे छोटे आइटम है उसको हम क्या करेंगे एक साथ निकाल देंगे उसका बैच बैच बना के, तो उसको हम लोग बैच कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है, इन दिस मेथड बिफोर कमेंसमेंट जॉब आपको एक टारगेट दे दिया जाए एस्टिमेटेड एक्सपर्ट के द्वारा, क्या किया जाता है कि एक्सपर्ट के हेल्प की सहायता से आपको क्या किया जाए, मतलब हेल्प से हम लोग क्या करेंगे एक टारगेट आपको सेट कर देंगे और उसके हिसाब से आपको काम करना। देखो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग एक जैसे लग रहे हैं, बट आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है और टारगेट कॉस्टिंग क्या आपका मेथड है, ठीक है ना। चलो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में क्या होगा कि कोई भी काम एक बार में तुरंत फिनिश नहीं होगा, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा कि कोई भी काम एक बार में नहीं फिनिश होगा, मान लो एक ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट है, तो ए के लिए जो फिनिश गुड्स होगा बी के लिए क्या होगा रॉ मटेरियल होगा, बी में जो फिनिश होगा सी के लिए रॉ मटेरियल होगा। तो आपको बस ये नाम याद रखना है इसमें कि मेथड कौन कौन से है और टेक्निक कौन कौन से है। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग का सबसे सुटेबल एग्जांपल आपका ब्रिक मेकिंग हो गया ना, फ्लोर मिल्स हो गया, स्टील वर्क, ये सब क्या होते हैं सिंगल, मतलब जिसका स्टैंडर्ड, मतलब जहाँ पे एक एक करके चीजें बनाई जाती है ना, उसको हम लोग सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। ऑपरेशन कॉस्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर टास्क जब पूरा होगा तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था होती है, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, होटल हो गया, समझ आए कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होटल हो गया, कैंटीन हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अडॉप्ट होते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में क्या होता है, दिस मेथड एप्लीकेबल वेयर द कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन। डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में क्या होता है आपका कि हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट का जो हम कॉस्टिंग निकालते हैं उसको हम लोग डिपार्टमेंट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। आपको जो मैं देखो वहाँ पे चीज़ें शॉर्टकट मैंने आप तेजी से बताया, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन मेथड में आते हैं कौन टेक्निक्स में, और जो भी आपको पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोल माइन के लिए यूनिट बेस क्या है, कोल माइन में हम लोग कैसे मेजर करते हैं पर टन कोल या पर केजी, ऐसे नहीं पर टन या पर क्विंटल होता है, ठीक है। वहाँ पे शुगर मिल में पर क्विंटल होता है, टेक्सटाइल मिल में आपका पर मीटर कपड़ा पर मीटर के हिसाब से मेजर किए जाते हैं, ठीक है ना। फ्लोर मिल में आपका जो आटा होगा आपका क्विंटल के हिसाब से होगा,
पेपर मिल में आपका केजी के हिसाब से होगा, स्टील मिल में आपका टन के, टन स्टील पर टन के हिसाब से होगा, और ब्रिक मेकिंग में आपका, ब्रिक मेकिंग में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पर थाउजेंड ब्रिक है ना, 1000 के हिसाब से उनका प्राइस डिटरमाइन होता है। केमिकल में आपका पर लीटर के हिसाब से या किलोग्राम या टन के हिसाब से होगा। वाटर सप्लाई में पर थाउजेंड लीटर, और पावर इलेक्ट्रिसिटी में पर किलोवाट, या फिर ट्रांसपोर्ट में आपका पर पैसेंजर, पर पैसेंजर या टन किलोमीटर के हिसाब से पैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब यहाँ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे नर्सिंग होम किस टाइप का इंडस्ट्री है, ऑपरेटिंग, ठीक है ना, इसमें पैसे कैसे चार्ज किए जाते हैं, पर बेड या पर डे या पर वीक के हिसाब से, ठीक है। तो नर्सिंग होम किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एग्जाम्पल है। टॉय मेकिंग खिलौना किसमें बनाए जाते हैं, बैच कॉस्टिंग में, ठीक है ना, और कैसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, पर बैच के हिसाब से, ठीक। रोड ट्रांसपोर्ट कौन सा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का है, और उसमें कैसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, पर टन किलोमीटर, है ना, या पर किलोमीटर के हिसाब से। सीमेंट किसका एग्जांपल है, यूनिट कॉस्टिंग का, पैसे कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर टन या पर बैग के हिसाब से। स्टील आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का है, और इसमें कैसे पैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर टन किलोमीटर के, सॉरी पर टन के हिसाब से। हॉस्पिटल आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज इंटर, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एग्जांपल है, और इसमें कैसे पैसे चार्ज करते हैं, पर बेड या पर पेशेंट या पर डे के हिसाब से। शुगर कंपनी आपका प्रोसेस कंपनी है ना, सॉरी प्रोसेस कॉस्टिंग को अडॉप्ट करती है, और इसमें कैसे पैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर यूनिट या पर टन के हिसाब से, ठीक है ना। फर्नीचर आपका मल्टीपल कॉस्टिंग है, मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग असेंबल करते हैं ना, क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, ठीक है ना, जैसे अलग अलग टाइप के जो हमारे पास अलग अलग, जैसे हमको साइकिल बनाना है तो किसी दूसरे कंपनी का रिंग होगा, दूसरे कंपनी का आपका सीट होगा, दूसरे कंपनी का उसका टायर होगा, अलग अलग कंप्लीट रूप से, अलग अलग कंप्लीट यूनिट को मिला के एक अलग कंप्लीट यूनिट बनाएंगे असेंबल करके, उसको हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग के नाम से। यहाँ पे ईच यूनिट के हिसाब से पैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ठीक है ना। कोल माइन में आपका क्या होता है, सिंगल कॉस्टिंग, और पर क्विंटल के हिसाब से पैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। शिप बिल्डिंग आपका क्या होता है, शिप जहाज निर्माण करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, और पर शिप जितना शिप बनाओगे उसके हिसाब से पैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बाइसिकल आपका मल्टीपल कॉस्टिंग के एग्जांपल है, पर बाइसिकल हिसाब से पैसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे। टीवी मल्टीपल का है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है, एडवर्टीजमेंट आपका जॉब का है, ब्रिक मेकिंग सिंगल या आउटपुट का है, ठीक है ना। देखो इंडिया में सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग कब आया था, 1960, सॉरी देखो ICWA सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था 1959 में, ठीक है ना, और 1944 में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट आया था, ठीक है। चलो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो क्लासिफिकेशन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, देखो क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेना, इसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एलिमेंट कॉस्ट में क्या क्या आते करा, कोई भी अगर हम मटेरियल बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें तीन एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में कौन कौन आएंगे आपके, उसको ध्यान रखना है। मटेरियल आएगा, क्या आएगा आपका, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, और एक्सपेंसेस आएगा। क्या क्या आएगा, मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस होगा, ठीक है ना, मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक। अब जो आपका मटेरियल में दो होंगे, एक डायरेक्ट मटेरियल होगा और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, उसी तरीके से लेबर में डायरेक्ट लेबर होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है ना। तो जितने सारे इनडायरेक्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरहेड के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अब ओवरहेड में पहला ओवरहेड आपका क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लो डायरेक्ट मटेरियल आपका, सपोज करो कि कोई भी हम गुड्स बनाते हैं, 10,000 रुपये खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है, 10,000। मटेरियल में आपका चला गया 6,000, ठीक है ना, लेबर में चला गया आपका 3,000, और 1,000 आपका एक्सपेंसेस में चला गया, ठीक है ना। अब इस एक्सपेंसेज में अलग अलग एक्सपेंसेज हैं, जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल में मान लेते हैं कि 5,000 है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल में आपका 1,000 है, ठीक। लेबर में आपका डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा 2,500, और इनडायरेक्ट लेबर में मान लेते हैं हमारा आ जाता है 500। फिर उसी तरीके से एक्सपेंसेज में मान लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका 600 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका 400 है, ठीक है ना। अब इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में तीन होंगे, एक फैक्ट्री को होगा, और एक ऑफिस को होगा, और एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपका जो फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री के लिए 200 है, और 100 रुपये ऑफिस का है, और 100 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है ना। चलो अब इसमें ध्यान रखना है, ओवरहेड में आपका कौन कौन ओवरहेड, जैसे आपका फैक्ट्री ओवरहेड कौन है, आपका फैक्ट्री ओवरहेड,
फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ पार्ट, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ पार्ट। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट मटेरियल देखो 1000 है और इनडायरेक्ट लेबर कितने हैं 500 है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ पार्ट मतलब जो फैक्ट्री वाला पार्ट है, फैक्ट्री वाला पार्ट कितना है 200। तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा दोस्त, 1700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1700। इसको ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड आपका क्या है, आपका ऑफिस ओवरहेड ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड में सीधे से आपका 100 रुपये दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और थर्ड क्या है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कितने हैं आपके, 100 रुपये। देखो आपको की पॉइंट याद रखना, तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ पार्ट, तीन मिला के होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। और जितने सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को कंबाइंड रूप से ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका जो ओवरहेड होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें आपका फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग तीनों होते हैं, ठीक। चलो अब आगे आपको बता रहा है कि अब यहाँ पे यही पे मैं आपको कॉस्ट शीट बता देता हूँ, यही पे आपको कॉस्ट शीट बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। कॉस्ट शीट कैसे निकालेंगे आपका, कॉस्ट शीट निकालते हैं डायरेक्ट मटेरियल, है ना, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों को हम लोग कंबाइंड रूप से बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे दोस्त, फैक्ट्री ओवरहेड। अब आपका फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट, क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट बोलेंगे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर क्या बोला जाएगा इसको और किस नाम से जानेंगे, वर्क कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। किस किस नाम से जानेंगे, तीन नाम से। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना था आपका, 5000, डायरेक्ट लेबर कितने थे आपके पास देख लेते हैं एक बार, डायरेक्ट लेबर कितने थे 2500, ठीक है ना, और डायरेक्ट एक्सपेंस 600, 2500 आपका डायरेक्ट लेबर था और 600 आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल कितना हो गया 5, 2, 7, 8100, ठीक है ना। और आपका फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 1700। तो आपका वर्क कॉस्ट कितना आ जाएगा, 9800, कितना आ जाएगा, 9800 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्या ऐड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कितना था, 100 रुपये। तो ये जो आपका 9900 आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑफिस कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है ना, ऑफिस कॉस्ट बोलेंगे, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या ऐड किया जाएगा यार, इसमें ऐड हम लोग करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था, 100 रुपये। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10000, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेल प्राइस निकल जाएगा, और जितने सारे यूनिट होंगे, यूनिट जैसे मान लो 10000 यूनिट है, तो 10000 यूनिट हम 5000 में डिवाइड कर देंगे, 5000 रुपये में, तो मटेरियल कितना लगा वो एक यूनिट पता चल जाएगा, मतलब ये जो अमाउंट होगा इसमें हम लोग यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, पर यूनिट आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ए आपका हो गया, क्या क्या हो गया आपका, कॉस्ट शीट हो गया। कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, इसमें हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्या निकल जाएगा आपका, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो आपका क्या निकलेगा आपका उसके बाद, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, सेल प्राइस निकलेगा, क्या निकलेगा, सेल प्राइस निकलेगा, ठीक है ना। चलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, जो खर्चे पर यूनिट आइडेंटिफाई है उसको बोलेंगे डायरेक्ट,
जो एब्जॉर्ब कराए जाएंगे उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है ना। जो पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई होंगे उसको बोलेंगे डायरेक्ट, जो पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं होंगे, ठीक है ना, जो पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मतलब जैसे आपको चेयर बनाना है, चेयर के लिए आपके पास लकड़ी जितना ज्यादा बनाओ उतना चाहिए, ठीक है ना, और उसमें जो भी बहुत सारे मशीन होंगे, लुब्रिकेंट ऑयल होंगे, ठीक है, उसमें जो टुकड़े लगेंगे वो इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से लेबर बोलेगा हम जितना चेयर बनाएंगे उतना पैसा लेंगे, तो डायरेक्ट लेबर हो गया, और उसमें से अगर के बोलेगा कि नहीं हम एक बनाओ चाहे दस बनाओ तो उसका हो जाएगा एंड। मतलब जो पर यूनिट खर्चे आइडेंटिफाई किए जाएंगे, चाहे वो लेबर हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे एक्सपेंसेज हो, वो होगा डायरेक्ट। जो पर यूनिट, यूनिट के बढ़ने घटने से वो खर्चा बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो वो होता है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहा है कि फ्यूल एंड पावर है, फैक्ट्री रेंट है, शॉप फोरमैन वेजेस है, सुपर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, प्रोडक्शन लेबर है, रिपेयर बिल्डिंग का है, ऑफिस सैलरी है, बैंक चार्जेस है, ड्राइंग, इसको आपको बनाना है अलग। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और चार्जेबल एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो निकलेगा प्राइम कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो आपका प्राइम कॉस्ट होगा उसमें वर्क ओवरहेड ऐड करोगा, मतलब क्या क्या क्या, फैक्ट्री ओवरहेड जब आपका निकल जाएगा वर्क कॉस्ट, उसमें एक क्या निकलेगा आपका, ऑफिस कॉस्ट, एक क्या निकलेगा वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे उसमें, वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो क्या निकल जाएगा ऑफिस कॉस्ट। फिर ऑफिस कॉस्ट में ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या निकलेगा टोटल कॉस्ट निकलेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे फिर से बताया हुआ है कि जो आपका प्राइम कॉस्ट होगा मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करेंगे मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस, तो आपका निकलेगा प्राइम कॉस्ट। इसमें वर्क ओवरहेड ऐड करोगे कौन कौन, फ्यूल पावर फैक्ट्री रेंट शॉप फोरमैन ये सब ऐड करोगे तो क्या निकलेगा वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं लिखा, डायरेक्ट इसमें से लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो भी होता है, तो क्या निकलेगा आपका ऑफिस कॉस्ट, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो निकल जाएगा टोटल कॉस्ट, क्या निकलेगा टोटल कॉस्ट निकलेगा, ठीक है ना। अब मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको कुछ पॉइंट बताना है कि सबसे पहले हम लोग परचेस करते हैं, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, फिर प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो परचेस करने के लिए आपका सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मतलब कि एक ही जगह से परचेस करेंगे, और डिसेंट्रलाइज मतलब जो हम चीज़ें अलग अलग जगहों से परचेस करेंगे, ठीक है ना। चलो इसमें कुछ की पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं, उसको ध्यान रखो। जैसे आपका बीन कार्ड स्टोर लेजर क्या होता है, स्टोर लेजर मतलब जहाँ पे स्टोर रखे गए होते हैं, मटेरियल रखे गए होते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लें कि एक डिपार्टमेंट परचेज को हो गया, और एक स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। तो परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल खरीद के स्टोर में देगा, स्टोर डिपार्टमेंट इशू करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। अब एक होता है आपका बीन कार्ड, बीन कार्ड क्या होता है कि देखो आपका जो स्टोर लेजर होगा, स्टोर लेजर में आपका, ठीक है ना, जो आपका स्टोर लेजर होगा, ठीक है, जो आपका स्टोर लेजर होगा, जो आपका स्टोर लेजर होगा, ठीक है ना, स्टोर लेजर में क्या होता है आपका प्राइस प्लस यूनिट दोनों डिसाइड होते हैं। बीन कार्ड जैसे आप लाइब्रेरी में गए हो तो कौन सा बुक किस लाइन में रखा गया वो बस बताता है, ठीक है ना, कितना बुक है, कैसे है, कितने प्राइस का उससे मतलब नहीं है। स्टोर लेजर में कौन सा बुक है, कितने का प्राइस है, वो सब कुछ लिखा होता है। लेकिन बीन कार्ड में बस क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास 100 मटेरियल आया, 20 गया तो कितना बचेगा 80, 40 आया तो कितना हो गया 120 हो गया। बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे शुभम, तनु, ठीक है ना, शुभम, तनु, क्रांतिकारी दीपक, और बहुत सारे बच्चे हैं शिवम, रुचि, और बहुत सारे बच्चे हैं, देखते रहेंगे। चलिए अब कह रहा है कि मटेरियल इशू करने कौन कौन है आपका, आपका फीफो, फीफो जब प्राइस फॉल होता है ना, फीफो का अप्लाई करते हैं जब प्राइस फॉल होता है, तो फीफो, लिफो जब प्राइस लिफ्ट करेगा, ऊपर होगा, महंगा होगा, तो लिफो, जब प्राइस सबसे हाईएस्ट वाला जो सबसे पहले, उसको पहले इशू करेंगे ना। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया उसको पहले भेजेंगे, कहाँ, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, और स्टोर डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट ने दिया खरीद के, स्टोर डिपार्टमेंट अपने पास स्टोर करके रखा हुआ मटेरियल, ठीक है ना। अब इसमें से निकाल निकाल के किसको देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब यही बोलता है स्टोर डिपार्टमेंट कैसे मटेरियल इशू करेगा प्रोडक्शन को, तो पहला बता रहा है फीफो, फीफो में क्या होता है कि जो मटेरियल पहले आया उसको पहले इशू करेंगे, या किस किस लिए अप्लाई होता है, जब प्राइस फॉल होते हैं।
लिपो में जो प्राइस महंगा होती है तब हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट को इशू करते हैं, हिपो में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस उसको पहले इशू करेंगे, मिफो में जो सबसे मिनिमम प्राइस उसको पहले इशू करेंगे, ठीक है ना। बेस स्टॉक मेथड में क्या होता है कि आपका कितना हो मटेरियल, कुछ प्रॉब्लम रहे या ना रहे, हम कुछ स्टॉक अपने पास जरूर रखेंगे, ठीक है ना। और स्पेसिफिक प्राइस में अलग अलग करके हैं। अब एवरेज में तुम्हारा सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, एवरेज में जैसे मान लो मटेरियल मैंने 5 का खरीदा, 6 का खरीदा, ठीक है ना, 7 का, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 3 से डिवाइड करेंगे मतलब मटेरियल इशू करेंगे 6 पे। वेटेड में क्या होगा, जो आपका यूनिट होगा और जो आपका रेट होगा दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें टोटल यूनिट से, जैसे मान लो कि मैंने 5 रुपये वाला 100 यूनिट खरीदा तो कितना हो जाएगा 500, और मैंने 4 रुपये वाला 200 यूनिट खरीदा तो कितना हो जाएगा 800, तो कितना हो गया 1300 में हम कितने से डिवाइड करेंगे 300 से डिवाइड करेंगे। समझ में आएगी नहीं, तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। चलो फीफो, अब कुछ क्वेश्चन है आपका, अब देखो सप्लायर आर सिलेक्टेड बाय द मैनेज, देखो सप्लायर मतलब क्या होगा, जब हमको मटेरियल परचेज करना होगा तो मैनेजमेंट क्या करेगा, सप्लायर को सिलेक्ट करेगा। गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर बाय, कह रहा है कि गुड्स रिसीव करने के बाद मटेरियल रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, मटेरियल रिसीविंग डिपार्टमेंट उसको प्रिपेयर करेगा कि हमने गुड्स को रिसीव कर लिया। बीन कार्ड मेंटेन कौन करता है, बीन कार्ड मेंटेन कौन करेगा आपका स्टोर कीपर, ठीक है, बीन कार्ड कौन मेंटेन करता है स्टोर कीपर, ठीक है ना। बीन कार्ड शो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मतलब बीन कार्ड में क्या होता है आपका बस क्वांटिटी बताता है, बीन कार्ड में क्या होता है बस क्वांटिटी बताएगा, ठीक है ना। अब फीफो मेथड, जब वैल्यूएशन यूजफुल प्राइस फॉलिंग होगा तो फीफो लगाएंगे, और जब प्राइस लेटेस्ट प्राइस पे होगा क्लोजिंग तो हम लोग अंडर फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएट लेटेस्ट, मतलब देखो जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा मतलब कि जो मटेरियल पहले है वो पहले बिक गया, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा जो सबसे लास्ट वाला बचा होगा वो होगा उस लेटेस्ट प्राइस पे, तो फीफो में जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा लेटेस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है ना। और लिपो क्या होता है, उसमें जो ओल्डेस्ट प्राइस होता है उस पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, जैसे मान लो मैंने 5 रुपये वाला खरीदा, 6 रुपये वाला और 6 रुपये वाला, तो सबसे पहले फीफो में इसको इशू करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको इशू करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट वाले में वैल्यूएशन किया जाएगा। लिपो में जो सबसे लास्ट में पहले उसको इशू कर देंगे, फिर इसको, फिर लास्ट वाला जो बचेगा उस पर वैल्यूएशन करेंगे ना, तो वही बता रहा है फीफो में लेटेस्ट प्राइस पर वैल्यूएशन किया था क्लोजिंग पे, लेकिन इशू करते हैं जो पहले आए होते हैं, लिपो में सबसे जो लास्ट में उसको पहले इशू करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका वैल्यूएशन सबसे ओल्डेस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है ना। चलो अंडर स्टैंडर्ड मेथड मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन प्री, मतलब कि इसमें क्या होता है पहले से डिटरमाइन होगा कि मटेरियल कितना होगा, हम खरीदे या कुछ भी करें हम किस रेट पर ही इशू करेंगे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस में क्या होता है कि आपको हम लोग टेंडर प्राइस, मतलब कि इसको हम लोग टेंडर किस में होता है, टेंडर में यूजफुल होता है रिप्लेस प्राइस मेथड, ठीक है ना। चलो आगे कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर भी है, ठीक है, अब उस क्वेश्चन के हम लोग बताएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू किम्बाल एंड किम्बाल प्रिंसिपल ऑफ द रेशनल परचेज, आपको ये पढ़ना नहीं है सर नोट्स में नहीं, बट डायरेक्टली आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है डायरेक्टली इस पॉइंट को, आपको क्या करना है याद कर लेना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन इसको आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, मत क्वेश्चन करना कि कैसे आया कहाँ से आया, बस आप इसको क्या करो याद कर लो सीधे से चुपचाप ढंग से, क्या करना है इसको आपको याद कर लेना, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना है कि सब क्या करें कैसे करें, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू किम्बाल एंड किम्बाल के हिसाब से कितना होना चाहिए 5, ठीक है ना। व्हेन स्टॉक इज रीच रीऑर्डर लेवल देन द स्टोर कीपर शुड सेंड, देखो अब तुम्हारा बता रहा है कि कर रहा है कि जब रीऑर्डर लेवल पे आ जाएगा तो स्टोर कीपर क्या करेगा, उसको फिर से मटेरियल परचेज करने के लिए रिक्विजिशन नोट भेजेगा कि तुम मटेरियल खरीदो नहीं खत्म होने वाला, ठीक है ना। द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव मटेरियल, कर रहा है कि वह पर्सन जो मटेरियल रिसीव करेगा तो गेट कीपर जो गेट पे होगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, फोर्थ नंबर है आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज, देखो अब इसमें क्या होगा कि अकाउंटिंग कहां रिकॉर्ड होता है स्टोर लेजर में ना, कितना मटेरियल आया कितना गया कितना बचा। इशू मटेरियल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कह रहा है कि मटेरियल इशू किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं स्टोर क्रेडिट नोट्स, है ना, क्या किया था क्रेडिट, मतलब कि यहां से इतना मटेरियल चला गया। सिक्स नंबर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द स्टॉक रीचेज द स्टोर कीपर शुड इनिशिएट परचेज रिक्विजिशन नोट, तो रीऑर्डर लेवल पे आएगा सर, है कि नहीं, रीऑर्डर लेवल पे आएगा तो परचेज रिक्विजिशन नोट भेजा जाएगा। द यूज ऑफ फीफो मेथड किसमें होगा, जब प्राइस फॉल करेगा, और लिफो मेथड कब होगा, जब प्राइस राइज करेगा, ठीक है ना, प्राइस राइज करेगा तो लिफो, फॉल करेगा तो फीफो। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, जो मार्केट और
कॉस्ट प्राइस का मिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिंपल एवरेज बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइडियल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, करा कि जो आइडियल सिस्टम को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो किसको कंसिडर करेंगे, तो आपका देखा जाएगा कि इंडस्ट्री कैसा है ना, इंटरवल कैसा होगा, ठीक है ना, करेंट प्राइस क्या होगा, मतलब ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग कुछ मेथड और टेक्निक पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल करने के। इन्वेंट्री जैसे मेरे पास मटेरियल आया ना जी स्टोर डिपार्टमेंट में, चलो अब देखो इसमें है क्या तुम्हारा, कि जो तुम्हारा मटेरियल कंट्रोल करने का होगा इसमें, जैसे अभी तो हमने पढ़ा कि मटेरियल खरीदेंगे फिर मटेरियल कैसे इशू करेंगे, अब मेरे स्टोर डिपार्टमेंट आएगा तो उसको हम कंट्रोल करेंगे ना जी, तो कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टेक्निक है इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, है ना, समझ में आया कि नहीं। इतना इतना पढ़ लो, इतना रिवीजन कर लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने भी सॉल्व करा दिया, ठीक है ना, और ये टेक्निक आप याद कर लो बस, ये टेक्निक कौन आते हैं, नाम पूछता है, ठीक है ना, इन्वेंटरी कंट्रोल करने के कौन कौन से टेक्निक है उसको, ई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हम देखो एक दो क्वेश्चन करा देंगे, उससे पूछता है कभी कभी, ठीक है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को टच करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, सभी लोग को क्लास ज्वाइन करने के बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पीडीएफ एक्चुअली नहीं बना है, पीडीएफ बना लेंगे तो कल पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है ना, चलो बाय बाय।